जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप ऑर्डर बैटर इमामुल हक, लेजेंड इंजमामुल हक से भतीजे भी, इनसे बात करते हैं इनके कैरियर के बारे में, कैसे कैरियर क्रिकेट का स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी स्ट्रगल्स का इनको सामना करना पड़ा और फ्यूचर के इनके क्या इरादे हैं। इमाम, आपके वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्रिकेट का शौक कैसे पैदा हुआ आपको? देखें फिजान भाई, शौक तो क्रिकेट का घर से ही शुरू हुआ। ऑब्वियसली जब आपके घर में एक लेजेंड क्रिकेटर हो और जिसको सारा पाकिस्तान एडमायर करता हो, तो ना चाहते हुए भी जो है शौक तो डेवलप होना था, हमारी जीन्स में था। ऑल्दो मेरे जो घर वाले थे, मेरी जो फैमिली थी, बड़ी स्ट्रिक्ट थी स्टडीज़ में, तो काफ़ी उनका पहली प्रायोरिटी थी कि स्टडीज़ करें उसके बाद जो है। और शुरू में मुझे कोई इतना खास शौक था भी नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे घर में क्रिकेट आती रही, हम सब कज़न्स ने, जिस तरह नॉर्मल घर में होता है कि क्रिकेट रातों को क्रिकेट, दोपहर में क्रिकेट, फिर मेरा भाई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं, तो उनको देख के जो है फिर मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट की। तो इस तरह जो है एक सीज़न का मेरा भी स्टार्ट हुआ, मेरे क्रिकेट के कैरियर का। तो देखते देखते फिर वो शौक़ इतना बढ़ गया कि वो फिर पता चला कि यार इसके बगैर तो मुश्किल हो जाएगा कि सरवाइव करना। तो फिर ये एक शौक़ ऐसे जो है प्रोफेशनलिज्म में बढ़ गया, और अल्लाह ने अपॉर्चुनिटीज़ दी कि जो है मैं अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 वगैरह खेल के जो है अल्लाह ने इतना इज्जत दी कि पाकिस्तान के लिए। आपने कहा कि शौक़ नहीं था, बट हो जाता है जब घर में हो क्रिकेट की बातें, तो ये शौक ना होना शौक कैसे बन गया, ये जर्नी थोड़ी बताएं, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आई? वही बात है फैजान भाई, क्योंकि देखें हर वक्त जिसके घर में क्रिकेट की बात हो और जिस इतना बड़ा क्रिकेटर आपके घर में हो, तो वो ना चाहते हुए भी, मुझे जैसे था मेरे घर में जो है, हम एक देखने तक का मुझे शौक़ था, लेकिन खेलने का कभी भी इतना कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया और जिस तरह के चाचू के जो फ़ैन फॉलोइंग थी, चाचू की एडमिरेशन थी, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, वो फिर एक शौक़ ऑटोमेटिकली जो है डेवलप हो गया कि यार हमने भी कुछ ऐसा स्पेशल करना है। और चाचू को देख के एक ऐसा एक ड्रीम्स आ गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्ट्रिक्ट थे, मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी स्टडीज़ के लिए, तो मैं स्टडीज़ को हमेशा प्रायोरिटी देना चाहा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कभी शौक़ खुद भी नहीं रहा स्टडीज़ का इतना ज़्यादा। तो वो शौक़ जो है स्टडीज़ का वो इधर ज़्यादा ट्रैवल होता गया। फिर मैं जब जिस स्कूल में मैं पढ़ता था बिकन हाउस में, उधर भी जो है क्रिकेट की टीम थी, तो मैं उधर मैंने जो है सबसे पहले स्टार्ट किया। तो इस तरह जो है मेरा शौक़ बढ़ गया, और वो शौक़ बेसिकली एंड पे जाके भाई को देख के वो प्रोफेशनलिज्म में चेंज हो गया, क्योंकि मेरे भाई को बेसिकली मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा शौक था। उसने जो है यूबीएल के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, मुल्तान के लिए खेली, तो उनको देख के जो है वो शौक़ जो था वो प्रोफेशनलिज्म में जो है जाके डेवलप हुआ। और उनके साथ जाके मुझे पता चला कि यार ये तो बड़ी मुश्किल गेम है कि जब दोपहर 2 बजे क्लब जाओ और आपको सारा दिन खड़ा करे और बारी एंड पे जाके मिलती थी, तो वो जाके जो है वो फिर पता चला कि इट्स नॉट एन ईजी गेम, जो दिखता है वो है नहीं ऐसा। तो इस तरह फिर जो है ये शौक़ डेवलप हुआ। मैम, जब अपने चचा इंजमामुल हक, पाकिस्तान का लेजेंड नाम, बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, उनको देखते थे, तो ख्याल आता था कि मुझे भी आगे जाके उन जैसा ही खेलना, और कोई ऐसी इनिंग्स उनकी जो आप अपने कैरियर में दोहराना चाहें? देखें फिजान भाई, चाचू हो या कोई भी और क्रिकेटर हो, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करते हैं, एक ऑटोमेटिकली चीज़ आ जाती है कि यार ये मैंने भी करना है, या इस तरह की जो अचीवमेंट्स हैं हमारे भी, मेरे पास भी हैं, अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी जो है कोई रिस्पेक्ट और कुछ ऐसी अच्छी इनिंग्स खिलवा दे कि जो कुछ, देखें कुछ इनिंग्स होती हैं एक इंसान की यादगार रह जाती हैं पूरे कैरियर में, उसका क्रेडिट आपसे कोई नहीं ले जाता, कि उसके जो आपके बच्चे हैं और आपके जो ग्रैंड इवन वहाँ तक याद जाती हैं। जैसे मेरे चाचू की 92 की सेमीफाइनल वाली इनिंग्स, हालांकि मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जब हम बड़े हुए आज तक जब भी बात होती है तो वो छक्के की और वो 92 की इनिंग्स की बात होती है। तो ऐसी कुछ है, फिर 92 की जो वर्ल्ड कप का जो विनिंग पार्ट रहे हैं वो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़बरदस्त है, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को, रिकॉर्ड्स बनाए, तो इस तरह की सारी चीज़ें ना कि मेरे चाचू को देख के, मेरे लिए तो लकी था कि मेरे पास ऐसे एक था जिसको मैंने रोल मॉडल, जिसको फॉलो करना है, लेकिन बाकियों के लिए भी कि जब टीवी पे आप आज बच्चे जिस तरह बाबर को देखते होंगे सामने टीवी पे खेलते हुए, तो उनका भी दिल करता होगा कि जो बाबर जो है, बॉब्स जो जिस तरह की चीज़ें वो अचीव कर रहा है, वो सारे जो है उनके भी आगे जो अंडर 19 के क्रिकेटर्स हैं, अंडर 16 के, इसी तरह ही सब, जब हम में और बाबर अंडर 19 थे तो उस वक्त जो लड़के खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए और जो परफॉर्म कर रहे थे, तो फिर उस वक्त हमारा भी यही दिल करता था। तो ये सब के साथ चलता है, और देखें सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं कि आपने जो है देख के किसको फॉलो करना है और उसके बाद आप अपनी मेहनत स्टार्ट करते हो। मैम, आप उन प्लेयर्स में से जिन्होंने ग्रेजुएट किया मुख्तलिफ एज ग्रुप के क्रिकेट खेल कर, आप अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 इन तमाम मराहिल से गुजर कर आप पाकिस्तान की जर्सी हासिल करने में कामयाब रहे, तो एज ग्रुप क्रिकेट से जो ग्रेजुएट आपने किया, उस प्रोसेस ने
आपको कितना मदद दी? फिजान ने बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, वो जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है हम सब क्रिकेटर्स जहाँ पे आके एक हमारा सेल्फ जो बैरियर्स लग जाते हैं वो है मेंटली, जहाँ पर हम एकदम रुक जाते हैं, और उसके बाद वो इसीलिए होता है क्योंकि प्रेशर को हैंडल करना इट्स एक स्टेज पे आके हमसे हैंडल नहीं होता वो, क्योंकि हमने एक प्रोसेस से गुजरे नहीं होते। और मैंने अंडर 13 भी खेला, अंडर 16 खेला, अंडर 17 खेला, अंडर 19 के दो वर्ल्ड कप, फिर पाकिस्तान है, तो इन चीज़ों ने जो बैरियर्स थे ना, जो इंटरनेशनल का प्रेशर होता है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान अंडर 19 खेलते हो, पाकिस्तान के अंडर 19 के वर्ल्ड कप खेलते हो, तो ये सारी चीज़ें आप में पाकिस्तान की शर्ट आप ऑब्वियसली पहन लेते हो, तो वो एक जो प्रेशर होता है पाकिस्तान से खेलने का, और एक प्रोडक्ट आपकी एक शुरू से चल रहा होता है, उसका जो फीलिंग होती है वो जब आप इंटरनेशनल में आते हो, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा चेंज रहती है, लेकिन सम हाउ आपको हेल्प ज़रूर करती है कि आपको पता होता है कि यार मेरे पीछे 4-5 साल 6 साल लगे हुए हैं जो प्रोसेस से आया हूँ, मैंने हर लीग की, हर एज ग्रुप की, हर जगह की स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल के अब मैं इंटरनेशनल सिनेरियो में आया हूँ। तो जो प्रेशर सिचुएशन जब आपके 2-3 फेलियर्स होते हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो आपका जो प्रोसेस होता है वो आपको हेल्प करता है। और फिर अब इस पूरी स्ट्रगल के बाद, इस पूरे प्रोसेस के बाद जो आपको पाकिस्तान की जर्सी मिली है, सितारा सजा पाकिस्तान का आपके सीने पर, उस वक्त आपके क्या एहसास थे? देखें बहुत बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि उस सीरीज़ में मेरा, जिस सीरीज़ में मेरा डेब्यू हुआ ओडीआई का, मैं नहीं हुआ, क्योंकि 3-5 वनडे थे और पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से जीत के आ रही थी, और जब चैंपियंस ट्रॉफी, जब आप कोई सीरीज़ टूर्नामेंट जीत के आते हैं तो आपको कम लगता है कि वही प्लेयर्स खेलते हैं जो खेल रहे थे, लेकिन जो फॉर्चुनेट था मैं, जिस वजह से कि जो मिकी आर्थर ने जो है मुझे चांस दिया, और उस वजह से जो सबसे अच्छी चीज़ थी डेब्यू में 100, वो मैंने तो कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो अल्लाह की चीज़ें हैं, तो वो देखें वो मैं, मुझे याद है, मैं बयान नहीं कर सकता। हमारा मैच था अबू धाबी में और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और हम दुबई से अबू धाबी ट्रैवल किए थे, तो जब मैंने सेंचुरी की, और तो मैं अपने मुझे याद है कि मैं इतने ज़्यादा ग्लव्स भी के पेयर भी नहीं लाया था लाहौर से, तो वो आने थे, तो वो जब मैंने 100 किया तो मैंने हारिस सोहेल के भी ग्लव्स यूज़ किए, इमाद वसीम के भी ग्लव्स यूज़ किए, और मैंने जितने भी ग्लव्स थे ना, लेफ्टी बैट्समैन के, फहीम अशरफ, ये तीनों थे, मुझे याद है मैंने ग्लव्स यूज़ किए। और उस सेंचुरी के बाद इतनी गर्मी थी कि अबू धाबी से दुबई मैं इमाद वसीम की जो है ना लैब पे गुजर के, मेरे क्रैम्प्स पड़ रहे थे पूरे 1.5 घंटे, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे मेमोरेबल है, तो वो इट्स डिफरेंट फीलिंग व्हेन यू परफॉर्म फॉर पाकिस्तान। मैम आप इंजमाम के भतीजे हैं, और भी प्लेयर्स के रिश्तेदार क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्या ये ब्लेसिंग है कि आप किसी प्लेयर के रिश्तेदार हैं, या ये कहीं कहीं परेशानी हो जाती है? देखें ब्लेसिंग इस दोनों का मेरे ख्याल से मैनेज करना आपको आना चाहिए, लेकिन दोनों की अपना जो है अपना एक फ्लेवर है और अपना क्रिटिसिज्म भी है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ब्लेसिंग इसलिए कि मुझे प्रेशर हैंडल करने की जो सिचुएशंस थी वो आपके घर में जब हो तो आप गाइडेंस अच्छी हो जाती है, आपके जीन्स में वो चीज़ें आ जाती हैं कि आपको प्रेशर सिचुएशन, लोगों को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे सिचुएशन में आपने काम रहना है, तो ये चीज़ें मैंने बहुत सीखी। और इसका नुकसान भी यही है कि एक तो आपको लोग हमेशा जो है नेगेटिव तरीके से देखते हैं, आपको पॉजिटिव तरीके से नहीं देखते, एक जनरल परसेप्शन बन चुका है कि अगर कोई रिलेटिव का जो आके खेलेगा वो कभी भी जो है एक सही वे से नहीं आया, तो ये परसेप्शन मेरी कोशिश है कि चेंज हो, क्योंकि आगे मैं अब देखता हूँ कि अब्दुल रजाक, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, मिसबा उल हक, इन सब के बेटे, मोइन खान, इन सब के बेटे जो हैं और ये बहुत टैलेंटेड हैं, ये जो आना चाह रहे हैं अब ये बड़े हो रहे हैं, तो इनको भी ये प्रॉब्लम होगी, तो मेरी कोशिश है कि मैं ये अपनी कुछ क्रिकेट ऐसे खेलूँ कि जिस वजह से जब मेरा एंड हो तो इन लोगों के लिए ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, ऑल्दो बहुत मुश्किल है हमारे पाकिस्तान में किसी चीज़ें ख़त्म करना, लेकिन जितने मेरी कोशिश हो कि सबको देखें, सबके लिए ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कुछ चीज़ें छुप नहीं सकती, अगर आप प्लेयर आए हो तो 3-4 मैचेस के बाद सबको पता चल जाता है, हम लोग बच्चे तो हैं नहीं, हम सबको पता चल जाता है किस में कितना टैलेंट है किस में नहीं, मगर ये ज़रूर है कि वो एक हम जान के किसी को प्रोवोक करने के लिए और किसी को इस चीज़ में जो है जाने के लिए डीप को, उसको नहीं जाना चाहिए, क्रिकेट से मतलब होना चाहिए, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, और मेरे ख्याल से देखें जो अच्छा है उसको खेलना चाहिए पाकिस्तान के लिए, चाहे वो मोइन खान का बेटा है या चाहे कोई मजदूर का बेटा है, सबके लिए पाकिस्तान के, और देखें सेलेक्ट तो सेलेक्टर्स ने करना है और उसकी परफॉर्मेंस नहीं उसको पाकिस्तान खिलाना है, ऐसा हो नहीं सकता। आज तो आपको पता ही है कि 2 परफॉर्मेंस 2 मैचेस में रन नहीं करो तो ट्विटर पे आप ट्रेंड कर रहे होते हो, सो इस चीज़ को भी बंद होना चाहिए, लेकिन दैट्स सैड रियलिटी। मैम व्हाइल यू आर ग्रोइंग अप तो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी और शायद आसान लग भी नहीं रहा था कि जल्द क्रिकेट बहाल हो, बट बाय द टाइम यू मेड योर डेब्यू आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट आना शुरू हो चुकी थी पाकिस्तान में, तो जब आप एज ग्रुप में थे तो कभी सोचा था कि अपने होम ग्राउंड पर टेस्ट खेलूंगा, वनडे खेलूंगा?
फैज़ान भाई सोचा तो था कि कभी जब मैंने अंडर 19 और अंडर 16 जब हम इधर खेलते थे तो सारे हम प्लेयर्स जब एनसी आते थे तो सोचा तो था कि यार कभी हमारे भी हो सकता है फिर, लेकिन दिल में ये भी आता था कि यार काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन मुझे बिलीव था कि पाकिस्तान में क्रिकेट ज़रूर आएगी। एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि अल्लाह ने हालात पाकिस्तान की और सिक्योरिटी दोबारा से इतनी अच्छी हो गई और ये सारी चीज़ें जो वापस आ गई पाकिस्तान क्रिकेट में, हमारे फ़ैन्स के लिए, हमारे लिए तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं क्रिकेट से, और उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान में क्रिकेट आए और इंगेजमेंट बढ़े हमारी सब लोगों के साथ। तो जब मैंने खेला लाहौर में स्पेशल फीलिंग थी, मुल्तान में वनडे की तो फीलिंग अलग थी, लेकिन टेस्ट मैच की फीलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि मुझे याद है मैं बहुत छोटा था जब मुल्तान में टेस्ट मैच पहली दफ़ा आई थी बांग्लादेश, तो मैंने वो टेस्ट सीरीज़ जो है एक आधा मैंने मैच जी वो मैंने मैच घर पर देखा, लेकिन वो सीरीज़ मैंने एक आधा दिन में गया था देखने क्योंकि टेस्ट मैच था। तो वो उसकी अलग फीलिंग थी कि आप जब अपने होम क्राउड के अगेंस्ट अगेन खेलते हो, आपके जो है वो, मेरे अब्बू और अम्मी ने कभी मेरे ज़िंदगी में आके मैच नहीं देखा, वो डरते हैं, मेरे भाई आ जाता है और मेरी भाभी आज मेरे बहन जो है ये लोग आ जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं। देखें क्रिकेट का कैरियर इंसान का जितना भी हो, ये वाले जो मोमेंट्स हैं ये आपको सारी ज़िंदगी याद रहते हैं, और ये वाले मोमेंट्स मैं कोशिश करता हूँ कि जो है इनको इन्जॉय करूँ, क्योंकि देखें ये लाइफ का भी अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं क्रिकेट में, लेकिन ये मोमेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं। मैम जब आप ग्राउंड में खेल रहे होते तो बहुत सारे लोग क्राउड में आपकी सपोर्ट के लिए, चेयर करने के लिए मौजूद होते हैं, दोस्त यार भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद आपको पसंद ना करते हो, जो तनकीद करते हो बात बात पे, कभी हक़ में नारे लगते हैं, कभी ख़िलाफ़ नारे लगते हैं। आजकल हम देखते हैं कि इफ्तिखार अहमद को एक कुछ नामुनासिब से नारे से उनको इस्तकबाल किया जाता है। आपका भी एक दौर था जब आपके हक़ में बड़े नामुनासिब नारे लगते थे, तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते थे, कैसे डील करते थे और कितना बुरा लगता था? देखिए हर किसी पे फिजान में बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। जब देखें जब हम बाहर जाएंगे ना, जब हम बाहर जाके खेलते हैं उधर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार ऐसी चीज़ें, जब आप लाहौर में खेल रहे हो, पिंडी में खेल रहे हो, कराची में, तो आपको ऐसे चीज़ें लगे ना तो काफ़ी वियर्ड फीलिंग होती है कि यार अगर मतलब हमें अपना क्राउड सपोर्ट नहीं करेगा तो बाहर तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी वियर्ड फीलिंग थी। लेकिन मेरे लिए ये मुझे था क्योंकि ऑल दो जब आपको पता है आपने मेरी जर्नी सारी देखी है, 2017 में जब डेब्यू हुआ तो पहले दो साल तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था चीज़ें करना, मैं अपना मोबाइल बहुत कम यूज़ करता था क्योंकि मेरे लिए चीज़ें, मैं रेस्टोरेंट्स में जो है बहुत कम जाता था फैमिली के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शायद जो है इस चीज़ को फील कर लूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को सामने जब ऐसी आवाज़ लगेगी तो शायद वो जो है उनको अच्छा ना लगे। तो शुरू में मुझे भी काफ़ी अजीब सा लगता था, काफ़ी सैड मैं हो जाया करता था, लेकिन बाद में पता चला कि इनसे ही गुजर के ही आपको जो है आपने एक अच्छा प्लेयर बनना है। और उस वक़्त मुझे जो है जिसका मैंने आपको कहा ना कि जो आपके घर में अगर ऐसा लेजेंड हो तो उसकी गाइडेंस और उनकी जो प्रेशर सिचुएशन में हैंडल करना, उस वक्त पेशेंस लेवल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ये चीज़ें ने काफ़ी फ़र्क डाला कि उसके बाद आपके जो ऐसे लगें कि एट द टाइम फिर वो चेंज हो जाए। मैम चलते चलते इतना ये पूछना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप का साल है, बड़ा अहम टूर्नामेंट सबके लिए, क्या 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 ख्वाहिशात है वर्ल्ड कप के लिए, क्या प्लानिंग है, क्या नज़रें रखी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वर्ल्ड कप के लिए आपने अपना टारगेट बना कर रखी है? देखें फैज़ान भी बहुत ज़्यादा अहम सीज़न है हमारे लिए ये, और वनडे का वर्ल्ड कप बिगेस्ट वर्ल्ड कप है, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि जो चीज़ें लास्ट वर्ल्ड कप में हमसे रह गई थी, ऑल दो हम उसमें भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि मुझे लगता है हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, एक दो मैचेस हम ऐसे हारे जिस वजह से हम नहीं क्वालिफाई कर पाए सेमीफाइनल के लिए, तो ये है हमारे पास 5 से 6, 8, 7, 8 वनडे हैं बिफोर गोइंग टू एशिया कप एंड वर्ल्ड कप, जितनी तैयारियाँ कर सकते हैं, जितना अच्छा हम एक टीम को कलाब जो है कर सकते हैं गेट टुगेदर कि किसी तरह हम जो है अच्छा वर्ल्ड कप खेलें, और पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह सबको मिलके और इस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश। थैंक यू इमाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, ऑल द बेस्ट कहेंगे आपके फ्यूचर के प्लान्स के लिए वर्ल्ड कप के लिए, और उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में भी आप पाकिस्तान का नाम यूँ ही रोशन करते रहें।